नमस्कार, मैं जगवीर सिंह, बिजनेस कोच। आज का नया बिजनेस आइडिया यह है कि आप एक राइटर बन सकते हो। राइटर, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा प्रोफेशन है? वाकई में बहुत बड़ा प्रोफेशन है। जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज हैं या जितनी भी मूवीज होती है, वो राइटर ही तो लिखते हैं। कोई भी, आप आजकल आप जानते हैं सोशल मीडिया पर कितनी सारी वेब सीरीज है, वो भी सब राइटर लिखते हैं। न्यूज़पेपर है, वो भी राइटर लिखते हैं। ब्लॉग्स है, पोस्ट है, आर्टिकल्स है, हेडलाइंस है, मार्केटिंग के जो मटेरियल्स होते हैं, मार्केटिंग के अंदर जो हेडलाइंस होती हैं, जो कॉल टू एक्शन होते हैं, वो सब कुछ राइटर लिखते हैं। वो आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको ना थोड़ी सी राइटिंग की स्किल्स आने चाहिए, थोड़ा सा आपका पैशन होना चाहिए राइटिंग का, आपको शौक होना चाहिए राइटिंग का, आपको फिलॉसफी क्लियर हो, जिस जोनर में आप लिखने की कोशिश कर रहे हो वो जोनर की आपको नॉलेज हो, या जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लिखना कोशिश कर रहे हो उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज हो, आप इजीली राइटर बन सकते हो। और राइटर के लिए काम मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से काम मिल जाता है। freelancer.com है, फाइबर है, और भी कई सारी वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया है, लिंक्डइन है, वहाँ से आप इजीली आप जो प्रोजेक्ट को लेकर आ सकते हो और उसको कंप्लीट करके वापस भी दे सकते हो, और आपको एक बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स भी मिल जाएगा। और इसको लिखने के लिए, करने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और आपको भी पता है कि मेरे को कितना टाइम लगेगा। और आप घर बैठे बैठे या इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो, इसको आप इजीली करते हुए आप एक बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते हो। दूसरा, आप इसको भी एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हो। ये एक बहुत ही शानदार काम है, और मैं ये नहीं कहूँगा ये नया है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़रूरी है, और इसको आसानी से कर सकते हो, पार्ट टाइम में भी कर सकते हो, और ये आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। ये एक बहुत ही शानदार आइडिया मैंने आपको दिया। कोशिश करिए इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म करने की, इसको इंप्लीमेंट करने की, और मेरे को ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा और आपका कितना फ़ायदा हुआ। और एक चीज़ आपसे तहे दिल से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और करवाइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, और हमें अब तक कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमको बहुत सारे कमेंट करते रहिए।